रजिस्टर्ड सिटीजन में 40 लाख लोगों के बाहर होने पर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर सियासत का आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक सियासत कर रही है, तो वहीं विरोधी पार्टियों ने बीजेपी पर इस मामले में भेदभाव करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो वहीं चुनाव आयोग ने भी कहा था कि नाम ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग वोट नहीं दे पाएंगे। खैर, इस मामले के सामने आने पर हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर भारत में घुसपैठी घुसते कैसे हैं। बता दें आपको, असम में बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या काफी लंबे समय से चली आ रही है। इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि आखिर कैसे बांग्लादेश के लोग हिंदुस्तान की सीमा में घुस जाते हैं। रिपोर्ट में मवेशी हाट को सीमा से लगभग 20 किलोमीटर दूर लगाने और सीमा पर स्थित गांव को फेंसिंग से रिलोकेट करने की बात कही गई है। सामने आए वीडियो में बताया गया है कि जिस बांग्लादेशी के पास पासपोर्ट होता है, वो न सिर्फ असम में आसानी से जमीन खरीद सकता है, बल्कि चुनाव तक लड़ सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी असम से बांग्लादेश तक बहती है और इस नदी की सीमा के सहारे बहुत लोग हिंदुस्तान में घुसपैठ करते हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।